हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज हम इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 19 सॉल्व करेंगे, जो कि 2 दिसंबर 2020 की है। आज की वर्कशीट पोएम द काइट के बारे में है। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। रीड द पोएम बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द एडजेसेंट साइड टू द कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेंजास। यू कैन टेक हिंट्स फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेंजा प्रोवाइडेड। आपको पोएम को पढ़ना है। पोएम को पढ़ने के बाद उसके बराबर में जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं उन्हें सही शब्द से फिल करना है। पोएम की एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, आप उसकी सहायता ले सकते हैं। तो बच्चों, आप इस पोएम को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे। फर्स्ट बॉक्स में दिए गए ब्लैंक्स को फिल करते हैं। ए, द ब्लू इन द फर्स्ट लाइन रेफर्स टू द डैश, तो यहाँ हम स्काई फिल करेंगे। बी, टाइड्स ऑफ विंड मीन्स द डैश, तो यहाँ हम लिखेंगे सेलिंग शिप। सी, द क्रेस्ट मीन्स दैट द काइट रीचेज द डैश, तो यहाँ फिल करेंगे टॉप। डी, द काइट लुक्स ब्राइट व्हेन इट इज डैश, तो यहाँ फिल करेंगे न्यू। ई, इन द स्काई द काइट सोर्स लाइक अ डैश, तो यहाँ शिप फिल करेंगे। एफ, द डैश हेल्प्स द काइट टू रीच द टॉप, तो यहाँ विंड फिल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बॉक्स में फिर से ब्लैंक्स दिए हुए हैं और पोएम की एक्सप्लेनेशन दी हुई है। आप पोएम को पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे और फिर फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। हम ब्लैंक्स करते हैं। ए, द काइट सीम्स टू रेस्ट मीन्स दैट इट इज समवॉट स्टिल इन द डैश, तो यहाँ हम लिखेंगे स्काई। बी, यू विंड द स्ट्रिंग्स व्हेन इट गोज डैश, तो यहाँ फिल करेंगे स्लैक। सी, द काइट इज फिल्ड विद अ न्यू डैश, तो यहाँ हम फिल करेंगे ब्रीज व्हेन द न्यू विंड ब्लोज एंड गिव्स इट डैश, तो यहाँ फिल करेंगे विंग्स टू फ्लाई। चलिए अब नेक्स्ट बॉक्स में दिए हुए फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। इस बॉक्स में भी पोएम के आगे स्टेंजास की एक्सप्लेनेशन दी गई है, फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। ए, द काइट इज स्ट्रगलिंग ऑन द टॉप ऑफ द डैश, तो यहाँ हम फिल करेंगे ट्री। जब काइट ट्री में उलझ जाती है तो वह स्ट्रगल करती है। बी, द अपोजिट ऑफ टॉप इज डैश, तो बच्चों टॉप का अपोजिट होता है बॉटम, तो यहाँ हम बॉटम फिल करेंगे। चलिए अब नीचे, नाउ लेट्स कलर दिस पिक्चर बिलो फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट। आपकी वर्कशीट में एक पिक्चर दी गई है और उसमें कलर फिल करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, जैसे कि द काइट इज ब्लू, काइट का कलर कैसा है, ब्लू। द गर्ल हैज़ ब्लैक हेयर, गर्ल के हेयर ब्लैक करने हैं। द गर्ल इज वेयरिंग रेड स्कर्ट एंड येलो टॉप, जो गर्ल की स्कर्ट है उसको रेड कलर करना है और टॉप को येलो। द टेल ऑफ द काइट इज ग्रीन, और जो काइट की टेल है उसे ग्रीन कलर करना है। द गर्ल इज वेयरिंग ब्राउन शूज, और गर्ल के जो शूज हैं उन्हें ब्राउन कलर करना है। तो बच्चों, इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आप इस पिक्चर में कलर फिल करेंगे। कलर फिल करने के बाद आपकी पिक्चर कुछ इस तरह दिखाई देगी। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर पिक्चर में कलर करके लगा दिया है। एट द एंड ऑफ द वर्कशीट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कैब मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।